दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं डिजिटल क्लॉक है। ये मैंने एक्सेल के अंदर बना रखा है और जो भी एक्सेल में काम करते हैं कभी ना कभी इस टाइप का क्लॉक बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भी एक्सेल में काम करते हैं और अगर आपको बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बनाना नहीं आता है और कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर आप कैसे बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर इस टाइप का डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना है और यहाँ पे शीट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं जो भी काम करूँ आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे शीट को जूम कर लिया और यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है इसकी विड्थ और हाइट आपको बड़ी कर देना है, उतना ही बड़ा करना है जितना बड़ा डिटेल क्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने हाइट इसकी बड़ी कर दिया और विड्थ भी बड़ी कर दिया। इसके अंदर आपको लगाना है एक फार्मूला इक्वल टू नाउ बैक स्टार्ट बैक क्लोज है, तो जो भी करंट डेट और टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम पे काम करना है लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम दोनों है। तो यहाँ पे टाइम लाने के लिए आपको ये राइट क्लिक करना है और इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट सेल्स है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम का ऑप्शन, आपको टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ दिया हुआ है ओवर मिनट और सेकेंड है, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डेट हमारा हट गया, आप सिर्फ यहाँ पे टाइम है। अब इसमें करना है फॉर्मेटिंग ताकि डिजिटल क्लॉक हमारा देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसे सेंटर कर देना है और मिडल करना है, इसको साइज बड़ा कर देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉन्ट आप देख रहे हैं ये है कैलिबरी फॉन्ट है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कौन सा फॉन्ट है कैलिबरी, लेकिन इसे हमें कन्वर्ट करना है क्लॉक फॉन्ट में। तो दोस्तों क्लॉक फॉन्ट तो कंप्यूटर में होता नहीं है तो आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है तो आपको गूगल ओपन करके सर्च करना है डिजिटल क्लॉक फॉन्ट है। तो ये जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखा देगा डिजिटल क्लॉक फॉन्ट है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर जो भी फॉर्मेट लेना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसे डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर सामने डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और डाउनलोड करके इसे आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ना सभी को आपको सेट कर लेना और राइट क्लिक करके नीचे यहाँ पर दिया सो मोर ऑप्शन से, और यहाँ पर ये विंडो 11 इसलिए दिया हुआ है लेकिन अगर 7 या फिर 10 है तो राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर दिखा देगा इंस्टॉल है, आप इस पर क्लिक कर देना है और सभी को इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो इंस्टॉल करके यहाँ पे जाएंगे अब एक्सेल के अंदर। तो कैलिबरी की जगह पर आपको इस पर क्लिक कर देना पहले, ठीक है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर कैलिबरी की जगह पे आपको टाइप करना है डिजिटल 7। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मैं इंटर कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारा टाइम है क्लॉक फॉन्ट में चेंज हो गया। ठीक है और इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा कर लेता हूँ, इसमें मैं और भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर चला गया बैकग्राउंड कलर में, ठीक है यहाँ पर हाईलाइट कलर में और यहाँ से ले लिया मैंने डार्क ब्लू, ठीक है और इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है यहाँ से वाइट कर दिया, ऐसे वाइट भी अच्छा लग रहा है और ब्लू पे येलो भी अच्छा लगता है। ठीक है मैंने यहाँ पे येलो कर दिया। तो जो भी आपको करना होगा कर लेना, ठीक है फॉर्मेटिंग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका हाइट थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से साइज भी बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों ये जो टाइम है ये बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है हमने जब फार्मूला लगाया था तो यहाँ पर टाइम तो आ गया लेकिन इसे हमें मौसम में लाना है, ये टाइम हमारा चलता रहे और जो भी करंट टाइम है वो यहाँ पे हमें दिखा दे। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे विजुअल बेसिक। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन इनेबल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देना विजुअल बेसिक पे। अगर इनेबल नहीं है तो एक शॉर्टकट की होता है अल्ट F11, ठीक है आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको एक नया पेज देना है जिसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बिलिंग पेज आ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको एक कोड टाइप करना है ताकि जो यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाए और जो भी करंट टाइम होगा वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है सब और एक स्पेस दे करके कोई भी एक नाम टाइप कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डिटेल क्लॉक है और इंटर करके एक्सेल में हमने काम किया हुआ है A1 सेल में, ठीक है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है रेंज बैक स्टार बैक क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देना सेल नंबर डॉट वैल्यू A1 सेल में जो भी वैल्यू है इक्वल टू नाउ। इससे क्या होगा कि जो हमने वहाँ पे टाइम दिया हुआ है वो टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। टाइम तो अपडेट हो जाएगा लेकिन ये टाइम चलना भी चाहिए, जैसे सेकेंड मिनट और ओवर है। तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करेंगे एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम स्पेस नाउ प्लस टाइम वैल्यू। दोस्तों ये VBA कोडिंग है लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से क्लास देना होगा तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ।
बाकी जिनको आता है उनको पता होगा कि वीवीए कोडिंग में यहाँ पे कोडिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने ओवर, मिनट और सेकेंड, जो कि यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है। तो दोस्तों इतना टाइप करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है सेम वैसे अपने कंप्यूटर में आप टाइप कर देना। तो इस वाली लाइन से क्या होगा, ये जो हमारा टाइमिंग है ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वाली लाइन को हमें कॉल कहाँ करना है, इस वाले नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको कोमा लगा करके इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको टाइप करना है डिजिटल क्लॉक, जैसा कि ऊपर नाम दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इन्वर्टेड कोमा क्लोज और इंटर कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे एक प्ले का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो करंट टाइम यहाँ पे दिखा दे। दोस्तों मैं 3 घंटे के बाद आधी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइम अपडेट हो गया। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 4:30 बजे, तो बीच में कुछ काम पर गया इसलिए मैं कहीं चला गया था। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हो रहा है अभी 7:30। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये कलर काफी अच्छा है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ता है एक डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए। अब आपको इस वाले पेज को सेव कैसे करना है, क्योंकि इसको सेव करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ सेव पे जाना है और यहाँ चला गया ब्राउज में, और यहाँ पे फाइल का नाम जो भी आपको देना है आप दे देना। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल क्लॉक। ठीक है, और दोस्तों इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको कोडिंग या फिर जो भी मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है आज जो मैंने वीडियो में बताया, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम दे दिया और सेव इस टाइप में जा करके एक्सेल वर्कशीट की जगह पर आपको यहाँ पे लेना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये तरीका होता है सेव करने का, मैंने पहले से सेव कर रखा था इसलिए वहाँ पे आ रहा था रिप्लेस का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कंप्यूटर में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।